हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम थोड़ा ओशियन करंट को देखते हैं, फिर आगे डिस्कशन की तरफ चलते हैं। देखो, ओशियन करंट की बात करें तो कोल्ड और वार्म दो तरह के हैं, ठंडे करंट और गर्म करंट। देखो, ठंडे करंट है वो बेसिकली पोलर साइड से आते हैं कुछ, और तो उनके बारे में थोड़ा हमें ध्यान है यहाँ पे रखना है। तो देखो, कुछ कुछ थोड़े ऐसे लगेगा आपको क्या रही है, तो पोल की साइड है बट फिर भी गर्म है, स्पेशली उनका हमें पता ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो दो चार ही करंट है, कुछ ज्यादा नहीं है ऐसे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली अटलांटिक ओशन से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, अटलांटिक ओशन में जो लेब्राडोर करंट है वो ठंडा करंट है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा है इसके बीच से फ्लो करता है, तो ये तो है ठंडा करंट, ये हमें ध्यान में रखकर लेब्राडोर। फिर यहीं पे एक करंट और आता है ग्रीनलैंड के पास में, तो वो है ग्रीनलैंड करंट, तो उसका भी पता चला है ओब्वियसली ठंडा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें अहम चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म है। गल्फ को आप गर्म से ऐसे याद कर सकते हो कि गल्फ है वो गर्म है, तो इस तरीके से याद आपको रह जाएगा। अब देखो, इक्वेटर है तो इक्वेटर पे आपको पता है कि नॉर्मली गर्म करंट है वो होता है, इक्वेटोरियल करंट होता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, वो काउंटर होता है, वो सब चीजें हमारी बाद में देखेंगे उन चीजों को। फिर यहाँ पे हम करें नॉर्वे की, देखो नॉर्वे करंट है वो वापस ऊपर जाता है, जब नीचे से देखो आप सकते हो कि यहाँ से इक्वेटर से होता हुआ फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली गर्म होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज के पास जो करंट फ्लो होता है नॉर्वेन वगैरह करंट, ये बेसिकली गर्म करंट है, तो एक तो ये कंफ्यूजन वाला हो सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो भी ऑब्वियसली ग्रीन है सॉरी। हाँ, इसके साथ ही कैनारी करंट है वो यहाँ पे ठंडा करंट है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली देखो, जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट होता है उसका जो वेस्ट वेस्ट हिस्से पे जो करंट आता है वो तो होता है ठंडा करंट, और ईस्ट हिस्से पे आता है वो होता है कोल्ड करंट। बट जो पोलर साइड होता है तो पोल की साइड में थोड़ा ये लॉजिक है वो ढंग से काम नहीं करता है, बाकी अदरवाइज यही होता है कि कॉन्टिनेंट की वेस्ट साइड है। देखो वैसे आप ले लो कि अफ्रीका को, अफ्रीका की वेस्ट साइड ये हो गई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में जो भी करंट आएंगे वो ठंडे आएंगे। देखो यहाँ पे ठंडा है, ये यहाँ पे ठंडा है, और फिर यहाँ पे देखोगे कि अफ्रीका की ईस्ट साइड में तो यहाँ पे अगुलास करंट आता है, तो अगुलास करंट है वो क्या है, गर्म है यहाँ पे, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज है वो होता है। अब हम बात करें यहाँ पे ब्राजील के पास में, तो ब्राजील का देखो वेस्ट हिस्सा होगा ईस्ट, और ईस्ट होगा ईस्ट पे क्या होगा, गर्म करंट होगा, तो ये ब्राजीलिया करंट है क्या है, गर्म करंट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और जो चिल्लू और चिल्ली सॉरी वो चिल्ली के आसपास जो करंट है यहाँ पे, ये पेरू करंट के नाम से जानते हैं इसको, ये क्या है, ठंडा करंट है। और जो एलिनो का इफेक्ट आता है उसमें होता क्या है कि ये जो पेरू करंट है ये क्या होता है, ठंडे की वजह गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पेरू करंट है कहाँ पे, ठंडा है गर्म। कैलिफोर्निया करंट है वो गर्म करंट नहीं है, ठंडा है, आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे है तो इसलिए ये ठंडा है। अलास्का करंट है वो यहाँ पे गर्म है, ये इफेक्ट ध्यान में रखने लायक है जब ये वेस्ट साइड है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा कंफ्यूज है वो कर सकती है। फिर यहाँ पे बात करें अपन पैसिफिक ओशन की तरफ आते हैं, तो देखो ओएसओ करंट है वो ठंडा करंट है, ठीक है आप इसको जान सकते हो। और फिर यहाँ पे देखते हो क्यूएसओ करंट है जो कि बेसिकली इस साइड से आके ऊपर की तरफ फ्लो होता है जापान की तरफ नीचे से, मतलब इक्वेटर की तरफ से, तो ये बेसिकली गर्म करंट है। फिर यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है, तो ईस्ट साइड गर्म होगा तो इसलिए गर्म है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वो क्या है, ठंडा है। बट एक चीज ध्यान में रखना, एक बात यह है कि इंडिया है उसके दोनों तरफ ही ठंडा है, गर्म है ही नहीं, सॉरी दोनों तरफ ही गर्म है ठंडा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इंडिया के आसपास कोई भी बड़ा एक तरीके से आप पूछ सकते हो कि पोल नहीं है, नॉर्थ पोल भी काफी दूर हो गया, साउथ पोल भी काफी दूर हो गया, इसलिए आसपास को ठंडा करंट है ही नहीं, तो इसलिए इंडिया के आसपास जो भी करंट फ्लो होता है वो गर्म करंट ही होता है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो हम बात करें यहाँ पे एक करंट और है साउथ में, ये आप देख सकते हो कि जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो करंट है ये देख सकते हो, ये बेसिकली एक ठंडा करंट है और एक तरीके से चिल्ड रहता है। इस करंट की बात यहाँ पे हम थोड़ा वो करने वाले हैं क्योंकि तो इसको लेके आज एक आर्टिकल भी बेसिकली आया था, तो उसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं। देखो जो अंटार्कटिक सर्कम्पोलर जो करंट है ना, ये बेसिकली ठंडा करंट है और ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, आप देख सकते हो ये करंट। देखो अगर आप पोल की साइड से देखोगे, मतलब साउथ पोल पे अगर आप खड़े हो तो उसको देखोगे तो इस तरीके से कंटिन्यूस फ्लो करता है और ये काफी तेज है मात्रा में और काफी हाई स्पीड में फ्लो करता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में करंट एक ही स्पीड में फ्लो है वो करता रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्लॉकवाइज में, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो करंट है वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ये चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी है। और कहाँ पे, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे फ्लो है वो करता रहता है, और यही एक ऐसा करंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंटिन्यूस फ्लो करता है। देखो आप एक बार पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ में तो कोई ऐसा करंट बन ही नहीं सकता जो एक कंटिन्यूस फ्लो करे, क्योंकि बीच में जगह जगह पे लैंड एरिया जाता है, बट साउथ में ये जो पूरा वाला हिस्सा है देखो पूरा खाली रहता है,
तो यहाँ पे करंट क्या काफी तेज गति से फ्लो है वो करता है, और उसको बेसिकली अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के नाम से जाना है हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ फ्लो करता है, बेसिफिकली अटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में फ्लो है वो करता है, और बहुत ही तेज स्पीड में करता है, क्योंकि इसमें कोई भी, इसमें आप बोल सकते हो कि कोई भी अवरोधक नहीं है, कोई भी लैंड एरिया है ही नहीं, तो उसकी वजह से काफी तेज स्पीड में फ्लो है वो करता रहता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आया हुआ है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि IIT खड़गपुर है, उसके इंस्टीट्यूट, उसके साइंटिस्ट हैं, उसके रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अभी एक रिसर्च की और उसके थ्रू उन्होंने एक नया सिस्टम तैयार की है जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या काम करेगा, देखो हमारे देश में जो LPG गैस कनेक्शन की जो स्कीम लाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उजाला योजना। अब देखो प्रधानमंत्री उजाला योजना में क्या प्रावधान किया गया है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL लाइन से नीचे हैं, उनको बेसिकली फ्री में गैस कनेक्शन है वो मुहैया करवाए जाएंगे। अब आप एक चीज दिमाग में सोचने को आई होगी कि भाई हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं, कैसे पता चलेगा, उन सबको डाटा मैनेज करना काफी मुश्किल तो होता ही है भाई ऑब्वियसली, कि किस किस आधार पर हम गरीबों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें डिजिटल कैलकुलेशन है वो करनी होती है, और उसके लिए उन्होंने एक तरीके का सिस्टम तैयार किया है IIT खड़गपुर के यूथ ने या बोल सकते हो कि रिसर्चर्स ने, ताकि LPG गैस कनेक्शन देने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है वो आ सके। तो यह एक तरीके का प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया है, और उसकी हेल्प से उन्होंने जो भी सिस्टम तैयार किया है ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से पता चल सके कि भाई कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, और उसके मुताबिक ही प्रोग्राम है वो बेसिकली चलाए जाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे अहम बात ये आती है, वहां पे प्रोग्राम चलने का देखो मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पता चला कि इस एरिया में गरीब लोग ज्यादा हैं और उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई करेगी और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अदरवाइज क्या है, देखो बहुत बड़े लेवल पे अगर कागजी काम होता है तो उसमें धांधलेबाजी या करप्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये लाया हो गया है। तो यह ध्यान रखना कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या, किसके लिए इसको यूज हो किया जाएगा। देखो धीरे धीरे बाद में गवर्नमेंट की और भी जो स्कीम है उसको बेसिकली यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे इंडिया का पहला एक्चुअली एलिफेंट हॉस्पिटल है वो तैयार हुआ है। कहाँ पे है ये ध्यान में रखना है, ये बेसिकली हुआ है चुरमुआ विलेज में, जो कहाँ है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। तो यह ध्यान रखना है कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में मथुरा में चुरमुआ विलेज में बेसिकली इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड एलिफेंट हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। यह बेसिकली तैयार किया गया वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा, तो हम वाइल्ड लाइफ SOS के बारे में भी जानेंगे। और बेसिकली देखो बताऊँ आपको कि इंडिया का जो पहला कंजर्वेशन था, एलिफेंट कंजर्वेशन था, वो भी इन्हीं की हेल्प से ही तैयार किया गया था वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा, और ये काफी सारे डाटा के आधार पे काफी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा एलिफेंट को, जो भी घायल एलिफेंट होंगे उनको जंगल से ला के यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या फिर छोटे बच्चे होंगे उनको भी यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा। तो अब थोड़ा हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ SOS के मतलब बारे में। देखो वाइल्ड लाइफ SOS है वो बेसिकली एक कंजर्वेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज में ध्यान रखनी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली 1995 में बनाया गया था। देखो स्टार्टिंग में इसको बनाने का मोटो ये था कि जो भी हमारे देश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, सॉरी वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसके अंदर काफी ज्यादा तनाव है वो हो रहा है, उस तनाव को कम किया जा सके, और इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए बेसिकली इसको बनाया है हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा कोई मोटो नहीं है कि केवल एलिफेंट के लिए काम करेगा, और अब भी ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल एलिफेंट के लिए काम है वो करते हैं। और बेसिकली हम बात करें तो साउथ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंजर्वेशन में फोकस है वो करता है। इसी के साथ ही इसके काफी ज्यादा अफोर्ड होते हैं एलिफेंट या फिर और भी तरह के जानवर वगैरह हैं उनको एक तरीके से रिहेबिलिटेट करने में, उनको बचाने में, और इसी के साथ ही स्लोथ बियर और एलिफेंट है इनके लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि इनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है उसके द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प वो रखते हैं, और हैबिटेट कंजर्व मतलब उनका जो आवास है नॉर्मल नेचुरल आवास है उसको कंजर्व करने में, लोगों को अवेयर करने के लिए वर्कशॉप चलाई जाती हैं। इसके साथ ही एंटी पोचिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं इसके द्वारा, और इसी के साथ जो कम्युनिटीज आप बोल सकते हो एक तरीके से कि वाइल्ड लाइफ एरिया पर डिपेंड होती हैं, उनके लिए कोई ना कोई और अदर विकल्प तैयार करना, उनकी आजीविका को सिक्योर करने के लिए बेसिकली इसके द्वारा स्टेप है वो उठाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया वो सॉरी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है निर्भया फंड के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2013 में क्रिएट किया गया था 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ। दूसरा स्टेटमेंट यह है
कि मॉनिटर्ड बाय एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ ऑफिसर्स अंडर सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और तीसरा स्टेटमेंट है कि नॉन लेप्सेबल कॉर्प्स फंड है। तो ये आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल प्रेस डे के बारे में। तो अब नेशनल प्रेस डे के बारे में देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे है वो मनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे देश में प्रेस फ्रीडम है इसको एक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए बेसिकली इसको हर साल मनाया है वो जाता। अब देखो प्रेस डे की बात हम करें या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे करें, तो देखो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक इंडिया की स्टेचुरी बॉडी है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और इसका काम क्या है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बेसिकली हमारे देश में एक वॉचडॉग के तौर पे काम करती है ताकि हमारे देश में जो भी प्रिंट मीडिया है उसको रेगुलेट किया जा सके। देखो जो भी बुक्स वगैरह आती हैं या जो भी प्रिंटिंग हो रही है चाहे न्यूज़पेपर हो कोई भी चीज़ वैसी, मतलब अगर प्रिंट हो रही है प्रेस में तो वो बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट है वो की जाती है कि कोई भी उसमें ऐसी चीज़ ना छपे जिससे कि सोसाइटी में विद्रोह फैल जाए या कोई भी ऐसी अनएथिकल चीज़ उसमें ना बताई जाए। तो इस तरीके के काम बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि यह अगर कोई भी ऐसा केस होता है कि कोई भी प्रिंट मीडिया अगर वायलेशन करती है राइट्स का तो उसके अगेंस्ट यह एक्शन है वो ले सकती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जैसे कोई भी एथिक्स का वायलेशन हो रहा है या फिर कोई फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है तो उन सब के लिए भी बेसिकली प्रेस की तरफ सपोर्ट है वो करती है। जैसे कि मान लो कोई भी गुंडा है अगर वो प्रेस को दबाने की कोशिश करता है तो उसके लिए बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो आवाज़ है वो उठाती है, क्योंकि जो उसके राइट्स हैं उनको भी कंजर्व करना काफी जरूरी है वो हो जाता है। बेसिकली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 28 इसके मेंबर होते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी बेसिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो की है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल था वो था एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट के बारे में। तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस है वो यहाँ पे कर लिया कि एंटार्क्टिक सर्कमपोलर जो करंट है वो बेसिकली जो हमारा साउथर्न हिस्सा है उसमें बेसिकली फ्लो करता है अटलांटिक और ऊपर उसके ऊपर वाले हिस्से में। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि भाई ये एक करंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही देखो साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका है ना इसके बीच में एक ड्रेक पैसेज भी आप इसको कहते हैं। देखो एक सेकंड आपको दिख रहा होगा थोड़ा मैं उधर, ये देखो आप ये तो हो गया साउथ अमेरिका अपना आप देख सकते हो यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे अंटार्कटिका। देखो इसके बीच में छोटा सा गैप है यहाँ पे नेहरू सा, इसको बेसिकली यहाँ पे ड्रेनेज के नाम से दिया गया। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि भाई है कहाँ ये पे, क्योंकि इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। इसके साथ ही जैसे आपने कल क्वेश्चन पूछा था मैंने कि यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है और निकोबार के सबसे निकट है वो यहाँ पे हमने देखा था कि बेसिकली सुमात्रा था, क्योंकि जावा तो दूर है वो पड़ जाता है। तो अब आप ये बताइए कि जो मेडिटेरियन सी है ना, ये मेडिटेरियन सी इसमें यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि बेसिकली यहाँ पे मोरक्को जो कि यहाँ पे अफ्रीका में आता है और यहाँ पे स्पेन है इसको अलग करती है, उसका नाम क्या है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शामिल है वो की गई है। और एक क्वेश्चन और है बाल्टिक सी कौन सा है उसके आसपास की कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं, मतलब बाल्टिक सी की जो पड़ोसी देश है जिनका बॉर्डर टच होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये देखो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इजीली इनके आंसर है ढूंढ सकते हो, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा, अदरवाइज आपको आंसर है वो यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो देखो बेसिकली ये तो थी हमारी डिस्कशन, अब एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में जाना जो कि IIT खड़गपुर के रिसर्च ने तैयार किया है ताकि जो भी हमारे देश में स्कीम वगैरह है बेसिकली प्रधानमंत्री उजाला योजना, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो भी डाटा कैलकुलेशन होती है उसको ईजी किया जा सके ताकि जो सही लाभार्थी होना चाहिए उसको बेनिफिट हो सके, उसके लिए बेसिकली इसको तैयार है वो किया गया है। इसके साथ ही हमने जाना कि इंडिया का पहला एलिफेंट स्पेशलाइज हॉस्पिटल है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ओपन है वो किया गया है वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ ही हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात करें तो ये एक स्टेचुरी बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी देखो इसके 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था तो उसको लेकर न्यूज है वो आई थी। और बेसिकली बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत इसको बनाया गया था और बनाया कब गया था 1992 में, तो यह चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का काम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर कोई और भी चाहे रूल वगैरह बनाए गए हो
उसके तहत वुमेन के जो सेफगार्ड है या वुमेन को प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाती है। मतलब कोई भी कानून वगैरह ऐसा नहीं बन सके जो कि किसी महिला को हरासमेंट कर रहा हो या उसको परेशान कर रहा हो या उसके राइट्स का वॉयलेशन कर रहा हो, इसके लिए बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काम करते हैं। मतलब वुमेन्स के लिए जो भी राइट्स हैं उनके लिए आवाज उठाने का काम है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इसमें और भी तरीके से गवर्नमेंट को एडवाइस करना हो कोई पॉलिसी के लिए वुमेन के लिए, वो सारे काम भी इसके द्वारा है वो किए जाते हैं। और इसी के साथ अगर वुमेन्स की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनको हरासमेंट कहीं भी कोई केसेस होता है तो उसके लिए एक तरीके से रीएड्रेसल जो ग्रेवान सिस्टम है वो भी तैयार इसके द्वारा किया जाता है। और इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 इसके मेंबर हैं वो होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, चेयरपर्सन और जो 5 मेंबर होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है वो किए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हमने यहाँ पे नेशनल प्रेस डे के बारे में जाना कि नेशनल प्रेस डे वो हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है, वो किसके द्वारा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी है, क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी, किसी का समन भी कर सकती है। काम क्या इसका, प्रेस के लिए फ्रीडम का माहौल तैयार करना। इसके साथ ही हमने अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के बारे में जाना। तो ये थी फिलहाल की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।